तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस एप्लीकेशन से हम 4,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले पाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया आया हो तो यार वीडियो को एक तुरंत से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसी से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ठीक है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप सीधे इस एप्लीकेशन पर आ जाओगे। देखो सारा चीज़ समझ लेना, इसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐप की तो ये RBI रजिस्टर्ड है 100%। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RBI NBFC रजिस्टर्ड। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये अपने इंडिया का एप्लीकेशन है, मेड इन भारत। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी दी गई है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप कितने तक का लोन ले सकते हैं, कैसे ले पाएंगे, इजीली आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि आपको इससे लोन कैसे लेना है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसके बाद आप सिंपली ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी बहुत जो यहाँ पर डिटेल ये मांगेगा जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमें क्लेम करता है कि हमें ये 4,00,000 रुपये से लेके 4,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करा देगा। साथ में अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सारी चीज़ रहेगी, मैं सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। अगर एग्जांपल के तौर पे यहां पर बताया गया है, यहां पर टेनर जो रहेगा 62 डेज से लेके 1 साल तक का आपको मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो मिल जाता है। इंटरेस्ट रेंज की बात करें तो 0 से लेके 30% तक इंटरेस्ट रेंज यहाँ पर रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट अवेल्ड। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, देखो यार काफ़ी सारे लोगों ने थोड़ा सा ना अफर्ट लगती है वीडियो को देखने में या फिर वीडियो को बनाने में, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर रहे। इन फ्यूचर अगर आप इन ऐप्स के मदद से लोन ले रहे हैं तो फ्यूचर में आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको आप बिल्कुल तैयार रहें कि भाई हाँ हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर डिटेल में आप लोग समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि अगर इफ़ द लोन अमाउंट इज़ 40,000, अगर आप 40,000 का लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट पर एनम का रहेगा 22%, और टेनर ऑफ द 12 मंथ्स प्रोसेसिंग फ़ी जो रहेगी 750 रुपये यहाँ पर चार्ज करेगा ये। द इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ वुड कम आउट टू बी 4,925 रुपये, ये इंटरेस्ट रहेगा जो कि आपका 40,000 में लगने वाला है। द EMI जो कि EMI रहेगी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3,744 रुपये की, मतलब कि अगर आप 40,000 का लोन लेते हैं तो आपको 12 महीनों तक 3,744 रुपये पटाने पड़ेंगे। ऐसा सिंपल सा सिस्टम है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमारे सामने दिख गया है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ द अमाउंट टोटल जो पेड है यहाँ पर देख सकते हैं, और जो टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा वो 45,678 रुपये का यहाँ पर आपको लगेगा। वेल अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, नो कोलेटरल रिक्वायर पर्सनल योर लोन ऑफर अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वही है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। तो इजीली यहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, आप एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, अभी आप डिटेल में समझ लो, फिर इसके बाद अप्लाई कर देना। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी से आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर साइन इन में क्लिक करेंगे, भाषा सेलेक्ट करना जिसमें आप कंफर्टेबल। कुछ ही आपसे परमिशंस वगैरह मांगेगा तो आपको ये सारी परमिशंस यहाँ पर दे देनी है। यहाँ पर आप अपना जो नंबर है वो डालेंगे और नेम अपना यहाँ पर डालेगा आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैकग्राउंड में ये नेम वगैरह डालेंगे आप। और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपनी KYC डालनी है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, यूजिंग फ़ोन नंबर वेरीफाई ये करना है अपने को, अपलोड आधार कार्ड करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर आपको जो मैसेज है वो रिसीव हो जाएगा
कि आपके में इतना जो सॉरी पहले आपको ये दिखाया जाएगा कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं और इतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ईएमआई वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई यहाँ पर मंथ की देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। विद इन 24 आवर ये लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस ऐप की मदद से आप लोन ले पाओगे। अगर इस ऐप से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम निकल के जाती है, कोई भी दिक्कत आपको जाती है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर बनाते रहता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर इसके अलावा आपकी कोई डाउट है तो आप क्या करें, आप मुझसे पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। अगर आप देखो कुछ क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, अगर आप उस क्वालिफिकेशन को मतलब कि उस क्राइटेरिया को पास करते हो तो आप मुझे पर्सनली एसएमएस करना, मैं आपकी लोन लेने में हेल्प कर दूंगा। अगर कोई एप्लीकेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा तो मैं पर्सनली आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लेना कि एज वगैरह सैलरी वगैरह, तो उससे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी और भी लोन पे से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरी जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।